आपने अपना धोती दुपट्टा रख लिया? हाँ हाँ रख लिया, और पूजा के बर्तन भी रख लिए। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आइए आइए भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, तो कहाँ की तैयारी है? कुछ नहीं भाई साहब, अब इस उम्र में तो जितनी यात्राएं हो जाएं, जितना पुण्य कमा लिया जाए वही अच्छा है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर एक यात्रा पर जा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, अभी पिछले महीने तो आप तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, आप किस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? अरे जैन साहब, इस बार मैं किसी तीर्थ की यात्रा पर नहीं, बल्कि तीर्थों के जीर्णोद्धारक के दर्शन करने जा रहा हूँ। मतलब? मतलब ये कि 20 सितंबर को तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है, तो हम लोग भाग्योदय तीर्थ पर उनके ही दर्शन करने जा रहे हैं। ये तो बहुत शुभ जानकारी दी आपने, उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ। अरे भाई, यही तो वो महान संत हैं जिन्होंने सांगानेर, आमाजी, देवगढ़ के साथ साथ अनेकों धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार कराया है। सिर्फ पुराने धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार ही नहीं, बल्कि उन्होंने लगभग 40 नए जैन मंदिरों का निर्माण भी कराया है। हाँ भाई, सुधा सागर जी महाराज का संघ तो जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ एक नव तीर्थ का निर्माण हो जाता है। अब देखिए ना, अपने पिछले चातुर्मास के दौरान गुरुदेव ने आचार्य श्री के अंतिम तीर्थ के आशीर्वाद से आगरा में विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ लोकोदय के निर्माण की घोषणा कर पूरे भारत वर्ष के श्रेष्ठियों को एक सूत्र में बांध दिया है। सच में ऐसे महान संत के चरणों का प्रच्छालन, पूजन, वंदन करना तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो फिर इस सौभाग्य की यात्रा में आप भी शामिल हो जाइए। कहिए, टिकट करा दूं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है भाई साहब, आज ही टिकट कराइए। अब इस यात्रा पर आपका और हमारा परिवार साथ साथ जाएगा। ये हुई ना बात, बोलिए मेरे साथ, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए हम भी भाग्योदय तीर्थ में विराजमान महान तत्वदर्शी ज्ञान श्रोमणि निर्यापक आचार्य श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 20 सितंबर 2024 को उनके दीक्षा दिवस के अवसर पर पूजन, वंदन और अपने भाव समर्पित कर स्वयं को कृतार्थ करें।